एक बार फिर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, और नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, तारिक रोड, PECHS, गुलिस्तान जौहर, करंगी, आगरा ताज, शाहराए फैसल, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी समेत बेशतर इलाकों में तेज बारिश हुई है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम हो गया है, जिसमें दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों ने साहिल अलादीन और सफारी पार्क और दूसरे तफरीही मकामात का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और अंदरून सिंध में बारिश का सिलसिला दो रोज तक बरकरार रहेगा। कराची में बारिशों की वजह से सरकारी अस्पतालों के दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी जमा हो गया है, जिसे निकालने के लिए इंतजामिया ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। कराची में सिविल और जिना अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्ते बारिश का पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किल का सामना है। उधर सिविल अस्पताल के जनरेटर में तेल न होने से गायनी और लेबर वार्ड में कई मशीनें बंद पड़ी हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों की मुश्किल दूर करने के लिए अभी तक कोई लाहेमल इख्तियार नहीं किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कामिल शाह ने ऐलान किया है कि बरसात में